जैसा कि आप सभी को पता है, आज से एक साल पहले हमने एक बहुत अच्छे सिंगर को खो दिया, जिनका नाम शुभदीप सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला है। ये इस दुनिया को छोड़कर चले तो गए, लेकिन ये आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। आज हम इनकी मूसा जट मूवी को एक्सप्लेन करके इनको ट्रिब्यूट देंगे एंड भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। रेस्ट इन पावर लेजेंड। कहानी की शुरुआत जंग सिंह को दिखाते हुए होती है। तभी उनके पास एक आदमी आकर बोलता है कि बाहर एक बच्चा आया है जो आपको अपना मामा बता रहा है। तो जंग सिंह उस आदमी को बोलता है उस बच्चे को अंदर ले आओ। एंड जैसे ही वो आदमी उस बच्चे को अंदर लेकर आता है तो जंग सिंह उस बच्चे को बालों से पकड़कर उठा देता है। दरअसल जंग सिंह ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उस बच्चे की सहनशीलता देख सके कि ये बच्चा कमजोर है या शक्तिशाली। अब जंग सिंह को एहसास हो गया था कि इस बच्चे में कुछ तो बात है। अब वो लड़का बताता है कि वो अभी अभी अपनी माँ के अंतिम संस्कार करके आ रहा है, तो जंग सिंह को उस लड़के की देख देख करनी पड़ेगी। एंड इस लड़के का नाम मूसा होता है। जंग सिंह ने एक मुर्गा पाल रखा था जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसने इस मुर्गे के गले में सोने की चैन भी डाल रखी थी, पर मूसा उस मुर्गे से हमेशा जेलस फील करता था क्योंकि जंग सिंह उस मुर्गे के सामने मूसे को कुछ नहीं समझता था। इसलिए मूसा उस मुर्गे की गर्दन तोड़ देता है और जंग सिंह को बोलता है कि तेरा सिर्फ एक ही बेटा है जो कि मैं हूँ, एंड अगर तेरे मेरे बीच में कोई भी आएगा वो इसी तरीके से मारा जाएगा। अगले दिन जंग सिंह उस चैन को मूसे को पहना देता है और बोलता है कि आज से तू ही मेरा बेटा है। अब कहानी में कुछ साल बीत जाते हैं एंड मूसा अब बड़ा हो चुका है। अगले सीन में हम राणे को देखते हैं जो कि कई सालों से कॉलेज में फेल हो रहा होता है एंड इस साल भी वो फेल हो गया है। इसीलिए वो कॉलेज के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट के पास जाता है और उसे बोलता है कि वो कॉलेज की वेबसाइट को हैक करके उसके नंबर बढ़ा दे जिसकी वजह से वो पास हो जाएगा। इस इंटेलिजेंट स्टूडेंट का नाम टोची होता है। टोची इस काम को करने के लिए मना कर देता है जिसकी वजह से राणे और उसके आदमी टोची को किडनैप करके अपने अड्डे पे ले जाते हैं। अब एक लड़का मूसे के पास आकर बताता है कि राणे ने टोची को किडनैप कर लिया है, जिसके जवाब में मूसा बोलता है तू पुलिस के पास जा, टोची को मैं लेकर आता हूँ। अब वो आदमी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। अब जैसे ही ये आदमी पुलिस को एक्शन लेने के लिए बोलता है तो पुलिस वाला एक्शन नहीं लेता। दरअसल दोस्तों राणे इस पुलिस वाले का भाई होता है। अब मूसा राणे के अड्डे पे पहुंच गया था और उनके बीच में लड़ाई होने लगती है जिसमें मूसे राणे को बहुत मारता है एंड वो टोची को भी बचा लेता है। साथ ही राणे को पुलिस वाले के पास ले जाता है और बोलता है इसका इलाज करवा लेना। अब कहानी में एंट्री होती है सिंगा की जो कि राणे के फादर हैं। वो मूसा के घर पर अपने आदमियों के साथ लड़ाई करने के लिए आया था। सिंगा भी अपने जमाने का तुर्रमखा था। वो जंग सिंह को कहता है कि मूसे को मेरे बेटे से माफी मांगनी होगी। तभी जंग सिंह बोलता है माफी, वो भी तेरे बेटे से? कभी नहीं। इतना सुनकर सिंगा वहां से चला जाता है। उसी रात रहमत मूसा को जंग सिंह के पास्ट के बारे में बताता है कि जब भी जंग सिंह और सिंगे के बीच में कुश्ती हुआ करती थी तो उस कुश्ती में हमेशा जंग सिंह ही जीता करता था, जिसकी वजह से सिंगा ने जंग सिंह पर जानलेवा हमले भी करवाए, फिर भी जंग सिंह हमेशा बच गया। लेकिन साथ ही जंग सिंह ने सिंगे को बचने का एक मौका दिया। उसने सिंगे को एक सफेद कपड़ा दिया और उस सफेद कपड़े को सुबह 11 बजे से पहले अपने घर की छत पर बांधने के लिए बोला, वरना इसी सफेद कपड़े में सिंगे का अंतिम संस्कार होगा। पर सिंगे ने पुलिस को पैसे खिलाकर जंग सिंह को ही झूठे केस में फंसवा दिया। ये सुनकर आसपास के गांवों की पंचायत जंग सिंह को छुड़वाने के लिए आ गई और पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। ये सब सुनकर मूसा आग बबूला हो गया था। अगली सुबह वो सिंगे के घर वही सफेद कपड़ा लेके पहुंच जाता है और कहता है कि इस सफेद कपड़े को 11 बजे से पहले अपनी छत पर बांध लेना, नहीं तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। अब अगले दिन मूसा अपने आदमियों के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार था। तभी वो ये देखता है कि सिंगे ने सफेद कपड़ा अपनी छत पे बांध लिया है, जिसे देखकर सभी खुश हो गए थे एंड जंग सिंह भी अपनी छत से ये खड़ा होकर देख रहा था। तभी पीछे से कोई आदमी जंग सिंह को गोली मार देता है। दरअसल ये सब सिंगे ने बड़ी चलाकी से करवाया था। मूसा ये देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रात होते ही वो सबसे पहले उस आदमी को मारता है जिसने जंग सिंह को गोली मारी थी एंड उसके बाद वो सिंगे को भी मार देता है। अपने मामा के हथियारों को मारने के बाद अब वो अपने मामा की चिता को आग लगाता है। कुछ दिन बाद राणे मूसे को मारने का प्लान बनाता है और जिस वक्त वो मूसे को मारने वाले थे उसी वक्त मूसे का दोस्त राणे को देख लेता है, तो वो अपने सीने पे गोली खाकर मूसे को बचा लेता है। इसके जवाब में मूसे के आदमी राणे के आदमियों को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं एंड लास्ट में मूसा भी राणे को मार देता है। अगली सुबह एक बच्चा मूसे के पास आकर बताता है कि कुछ लोग मेरे पिताजी को मारकर हमारा ट्रैक्टर छीन के ले गए हैं।
जिसके जवाब में मूसा बोलता है कि कल सुबह तक तेरा ट्रैक्टर तेरे पास पहुंच जाएगा। इतना सुनते ही वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा खुश होकर अपने घर पे चला जाता है। मूसा अब उस फाइनेंस कंपनी में जाता है जो कंपनी किसानों को फाइनेंस पे ट्रैक्टर दिया करती थी। अब कंपनी का मालिक मूसे को बताता है कि जो लोग हमारा कर्ज नहीं देते हैं हम उनका ट्रैक्टर और ज़मीन दोनों हड़प लेते हैं। मूसा उसे बोलता है कि जमीन और ट्रैक्टर किसान का मान होते हैं और तू इसी का व्यापार करता है। मूसा गुस्से में आकर उस पर गन तान के पूछता है कि आखिरकार ये ट्रैक्टर जाते कहाँ पर हैं, जिसके जवाब में कंपनी का मालिक बोलता है कि ये सब ट्रैक्टर दिल्ली जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कुछ लोग ट्रैक्टर लेके कहीं जा रहे होते हैं। वहाँ मूसा भी अपने साथियों के साथ रास्ता घेरे हुए खड़ा हुआ था। मूसे को देखकर वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब मूसा एक आदमी के पास आकर बोलता है, अगर तुमको तुम्हारी जान प्यारी है तो ये सभी ट्रैक्टर उन्हीं लोगों को वापस कर लो जिनसे तुम ये ट्रैक्टर छीन के लेके आए हो। साथ में ये भी बोलता है कि आज के बाद कोई भी किसी भी किसान का ट्रैक्टर नहीं छीनेगा। अब वो सभी वहाँ से दुम दबा के निकल जाते हैं। अगले दिन मूसा ट्रैक्टर पर बैठ के उस बच्चे के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। एंड जैसे ही मूसा अंदर जाके देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि उस बच्चे ने और उस बच्चे के पिताजी ने फांसी लगा ली थी एंड वो दोनों मर गए थे। एंड ये सब देख के मूसे को अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन में मूसे की मदर को कैंसर था एंड मूसे के फादर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी मदर का इलाज करवा पाए, तो मूसे के फादर अपनी जमीन गिरवी रख के मूसे की मदर का इलाज करवाते हैं। लेकिन कर्ज ना देने की वजह से कुछ लोग पुलिस वालों के साथ उनका ट्रैक्टर लेके चले जाते हैं। एंड ये सब देख के मूसे के फादर डिप्रेशन में रहने लग जाते हैं। वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे तो वो एक बहुत बड़ा फैसला अपनाते हैं। वो 3 गिलास में जहर मिला देते हैं। एंड पीछे खड़ी हुई उनकी बहन भी ये सब देख रही थी, जो कि कुछ भी नहीं बोलती। अब उसके फादर उसकी बहन को बुला के 2 गिलास देते हैं और बोलते हैं, 1 गिलास तू पी लियो और 1 गिलास मूसा पी लेगा। लेकिन मूसे की बहन मूसे को हॉस्पिटल भेज देती है और जहर वाला दूध खुद पी लेती है। एंड मूसे के फादर भी जहर वाला दूध पी लेते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की वहीं पे डेथ हो जाती है। यहाँ मूसा हॉस्पिटल पहुँच गया था, लेकिन वहाँ भी मूसे की मदर की अंतिम सांसें चल रही थी। तो मूसे की माँ बोलती है कि मेरे मरने के बाद तू अपने मामा जंग सिंह के पास चला जाइयो। एंड इतना बोलते के साथ ही उसकी मदर की भी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ लोग उसी बच्चे की जमीन की बोली लगा रहे होते हैं, तभी मूसा और उसके आदमी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे राणे का भाई भी था जो कि पुलिस वाला था। वो अपने बटालियन को बोलता है इन सबको मार दो, लेकिन कोई भी पुलिस वाला गोली नहीं चलाता क्योंकि वो पुलिस वाले भी मूसे के साथ थे। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं और वो राणे के भाई को मारकर पेड़ पे टांग देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद मूसा काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था एंड TV पे भी उसकी न्यूज़ चल रही थी। नेक्स्ट सीन में मूसा सरकारी ऑफिस जाता है जहाँ वो सारे किसानों के रिकॉर्ड चेक कर रहा था। तभी सरकारी ऑफिसर बोलता है कि अब सारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन सबमिट होते हैं, जिसके जवाब में मूसा बोलता है मुझे दिखा। एंड जैसे ही वो दिखाने के लिए अपना कंप्यूटर ऑन करता है, उसके सामने टोची की वीडियो आ जाती है। इट्स मीन टोची ने उसका सिस्टम हैक कर लिया था। अब टोची उनके सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देता है एंड मूसा हंसते हुए बोलता है कि अब कोई भी किसान कर्जे की वजह से नहीं मरेगा। एंड इस तरीके से इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में रेस्ट इन पावर सिद्धू मूसेवाला लिखिए। आगे की आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।